الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمه للعالمين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک دروشي دروشی پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا शफीबी हम दो सलात के बाद कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर एक सौ तेईस आपके सामने तिलावत की है पाकिस्तान में इस साल चांद के मुताबिक आज माह रमदान का तीसरा जुमतुल मुबारक और सोलह रमदान है हर साल तीसरे जुम्मे को गजवा बदर और एतिकाफ इस हवाले से खास तौर पर बात होती है फतेह मक्का का भी जिक्र होता है उमल मोमिनीन बी बे हबीब रबीन हजरत सदना आए शह सिद्दीक रदी अल्लाह तहा के मनाकब का भी जिक्र होता है क्योंकि इसके बाद आखिरी अशरा शुरू होना है कुछ लोगों ने एतकाफ भी बैठना है तो मुख्तसरा इन तमाम हवालों से आज कुछ गुफ्तगु करूंगा अल्लाह तुआ है वो मुझे हक बयान करने हम सब को हक सुनकर उसको कबूल करने उस पर अमल करने और उस पर कायम रहने की तोफी खता फरमाए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम अदिल्ला और बेशक अल्लाह ताला ने मदद फरमाई तुम्हारी बदर में और तुम कमजोर थे यहां मुझे और आपको अच्छी तरह ये बात याद कर लेनी चाहिए कि कायनात और कायनात में जो कुछ है वो सब का सब अल्लाह ताला की अता से है खुद से कुछ भी नहीं, नहीं। हम लोग अपने जोर बाजू पर बहुत दावे करते हैं ये हमारे बाजू भी और इनमें जोर देने वाला भी अल्लाह ताला कोई अगर ये कहे कि बगैर अल्लाह की आता के किसी को कुछ हासिल है तो ऐसी कोई बात नहीं ये तारीख इस्लाम का वो पहला फैसला कन मारे का हको बाकी की वो पहली बड़ी टक्कर जिसने रहती दुनिया तक हक और बातिल में ऐसा फर्क बुनियादी कायम कर दिया जिसको अब कोई खत्म नहीं कर सकता मक्का मुकरमा में पैदा हुए ऐला ने नबूवत फरमाया जब जाहिरी गिनती के लिहाज से दुनियावी उमर शरीफ चालीस बरस के करीब हुई वही मक्का वाले जो आपको सादिक और अमीन कहते थे सबसे बढ़कर हया वाला कहते थे सबसे ज्यादा आपको पसंद करते थे जब उन्होंने ये देखा कि आप उनके खुदाओं को झूठा कहते हैं और अल्लाह वहू ला शरीक की बात करते हैं तो वो आपसे दुश्मनी रखने लग गए दुश्मन हो गए मक्का मुकर्रमा में तेरह बरस नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जिस तरह गुजारे सीरत तारीख की में पढ़ के देखिए काफिरों ने मुशरिकों ने मुसलमानों को किस किस तरह सताया कौन सी तकलीफ और मुसीबत थी जो उन्होंने मुसलमानों को नहीं पहुंचाई शेब -ए अभी तालिब तक में मुसलमानों को वक्त गुजारना पड़ा मुसलमानों का सोशल बाइकॉट किया गया अरसाए हयात तंग कर दिया गया यानी सांस लेना दुशवार बना दिया गया मुसलमानों ने तंग आकर दो मरतबा हबशा जिसको इथोपिया कहते हैं उसकी तरफ हिजरत की वहां पर भी काफिरों ने पीछा किया और चैन से बैठने नहीं दिया बिल आखिर मुसलमानों को हिजरत का हुक्म आ गया मक्का मुकरमा से मदीना मुनवरा की तरफ हिजरत हुई योम बद्र का योमल फुरान का जिक्र करने से पहले आपको सिर्फ ये तारीख का एक वर्क उसकी कुछ झलक दिखा रहा हूं इधर मुसलमानों को इजाजत मिल गई कि वो हिजरत करें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम जिस रात अपने घर से निकले उस रात भी आपके घर का मुहासरा करने वाले घेरा करने वाले चालीस जवान थे और उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और उनके इरादे अच्छे नहीं थे तमाम कबीलों ने तमाम सरदारों ने सब ने जमा होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में एका कर लिया था मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली को अपने बिस्तर पर सोलाकर अपने घर से निकले हाँ रात के वक्त निकले मगर खामोशी से नहीं निकले सूरह यासीन की तिलावत करते हुए निकले और उन सबके सरों पर मट्टी डालते हुए निकले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ये हिजरत का सफर हुआ और वो भी मदीना मनवरा आए मुसलमानों का मक्का मुकरमा से यूं निकल जाना भी काफिरों के लिए बड़ा भारी उनका बस नहीं चलता था कि एक एक की तिक्का बोटी कर दें उनको बहुत तकलीफ थी कि मुसलमान उनसे बचकर मदीना क्यों चले गए काफिरों ने मुसलमानों के खिलाफ एक मिनट भी खामोशी से नहीं गुजारा मुसलसल प्लानिंग मनसूबा बंदी के किस तरह इन मुसलमानों को खत्म किया जाए सब लोगों से औरतों ने मर्दों ने बड़ों छोटों ने पैसे लगाए कुरैश मक्का का एक तजारती काफिला अबू सुफियान की क्यादत में मक्का से शाम भेजा गया तमाम मक्का वालों ने इसमें पैसे लगाए थे चालीस जवान मुहाफिज इसके साथ थे मकसद ये था कि इस काफले के जरिए जो आमदनी हो उसको मुसलमानों के खिलाफ भरपूर तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाए इधर ये खबर मदीना मुनव्वरा पहुंची तो मेरे आका ने भी फरमाया निकलो शायद अल्लाह हमें इनके अम्वाल मरहमत फरमाए ये जिस पैसे को हमारे खिलाफ लगाना चाहते हैं अल्लाह वो हमें दिलवा देगा हिजरत को 19 महीने गुजरे रमदानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ उसकी बारह तारीख थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनवरा से सफर का इरादा फरमा लिया क्योंकि मक्का की तला आ चुकी थी इस पूरे लश्कर के पास बड़े छोटे मिला के तीन सौ तेरह अफराद थे सामान में दो घोड़े थे सत्तर या अस्सी ऊंट थे जिरहें थी आठ तलवारें थी तीन सौ तेरह का मुकाबला एक हजार से था और सामान की ये हालत जब अंदाज से आए खुदा के चाहने वाले जबाने खुश्क पोशाक दरीदा पाओ में छे नहीं था तीन सौ तेरा से आगे तक शुमार का सुना ये है कि उनके साथ तापर उर्दिगार का थे उनके पास दो घोड़े जिर हैं, आठ शमशीरे मगर पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें मेरे आका करीम सल वसल् मदीना मुनवरा से निकलते हैं। तीन सौ तेरह अफराध हैं बूढ़े हैं बच्चे भी हैं सामान आपने सुन लिया थोड़ी दूर जाकर लश्कर को रोका फरमाया ऊंट कम है लोग ज्यादा हैं हर एक को अलग ऊंट नहीं मिल सकता एक ऊंट पर तीन आदमी रख लो बारी, बारी बारी बैठे तीन अफराध के लिए एक ऊंट दो दो घंटे एक एक घंटा बारी बारी बैठे अपने लिए अलग ऊंट नहीं रखा कौन के वाली ने यह नहीं कहा कि मेरे लिए एक ऊंट अलग कर दो अगर करते तो उन सहाबा में से कोई एतराज ना करता वो तो अपने कंधों पर उठा के ले जाते लेकिन मुसावात का दर्स देने वाले मे अखलाक हसना ने अमली नमूना पेश किया हु ने अपने साथ भी दो आदमी मुकर कर लिए जब हजूर अपनी बारी पूरी करके उतरने लगे दोनों जहानेसारों ने कहा हमारी खुशनसीबी होगी कि हम सिर्फ रस्सी पकड़ के चले जिस सवारी पर आप सवार हैं उसकी रस्सी पकड़ना भी हमारे लिए इज्जत की बात फरमाया मुझे भी रब से अजर चाहिए मैं पूछना चाहता हूं इस कले ने उन सहाबा के ईमान को कितना मजबूत किया होगा उनका दिल कितना बड़ा किया होगा साहबा के ईमान को कैसी कुवत मिली होगी पूरी दुनिया में समते घूम लो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे और एक दिखा दो जो मेरे नबी का थोड़ा सा भी परताव रखता हो इस पूरी कायनात में ने मेरे नबी जैसा कोई भी रहनुमा कोई भी ऐसा बशर नहीं मिलेगा जिसमें इतनी खूबियां हों के कायनात को रश्क होता हो याद रखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से जिस रुख से जिस जाविये से देखेंगे अफजलो आला नजर आएंगे उन जैसा उन जैसा सबसे ओलाओ आला सबसे बालाओ वाला मारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान अबू सुफियान को इत्तला पहुंच गई कि तुम्हारा पीछा हो रहा है मुसलमान तुम्हारा पीछा कर रहे हैं उसको फिकर हो गई उसने मक्का के लिए एक शख्स रवाना किया और वहां पर खबर भेजी कि इस तरह मेरा पीछा हो रहा है और तुम लोग सो रहे हो अबू जहल और दूसरे सब मुश्तिल हो गए बेफर गए तैयारी में सभी हिस्सा ले रहे थे खूब चंदा और बंदे जमा किए उकसाने वाले सरदारों के उकसाने पर नौजवान लड़ने मरने को तैयार हो गए अबू लहब का खौफ उसके चेहरे से नजर आ रहा था उसके खौफ की वजह एक खाब था आतिका बिनते मुत्तलिब का जो उसने राज रखने के वादे से अपने भाई को सुना दिया था मैं उस खब का तस्करा नहीं कर रहा उस खब की वजह से इन लोगों ने कहा कि तीन दिन हम इंतजार करेंगे वरना उसके बाद अब्बास के घराने को अरब में झूठा करार दे देंगे लोग हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतलिफ जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे उनको मलामत करेंगे इतने में काफिले की खबर आ गई अबू सुफियान की मदद की अपील पहुंची तो सब को ख्वाब पर यकीन हो गया ये आतिका बिनते अब्दुल मुतलिब मेरे नबी पाक सल्लाम की फूफी थी ख्वाब उन्होंने देखा था उमय्या बिन खलफ जो हजरत बिलाल को मारा करता था क्योंकि वो इसके गुलाम थे मक्का का रई आजम था उसने खुद जंग में शिरकत न करने का फैसला किया वो भी इस खाब से खौफजदा था आपको शायद खाब परेशान कर रहा होगा कि क्या ख्वाब था मैं सुना देता हूं एक ऊंट सवार मैंने वक्त बचाने के लिए कहा था सुन लीजिए ऊंट सवार आया और वादी बथा मक्का में आकर खड़ा हो गया और कहा ए बाजो अपनी कतल गाहों की तरफ तीन दिन के अंदर दौड़ दौड़ कर आओ मैंने देखा कि लोग उस सवार के गर्द जमा हो गए वो मस्जिद में दाखिल हुआ लोग उसके पीछे पीछे थे फिर ख्वाब देखने वाले ने देखा कि उसका ऊंट काबे की छत पर खड़ा है उस सवार ने फिर वो ही नारा लगाया फिर ख्वाब देखने वाले ने देखा कि उस ऊंट को जबले अभी कुबैस पर खड़ा देखा वहां भी उसने वही नारा लगाया और एक भारी चटान को नीचे लुढ़का दिया उस चटान वो चटान जो थी नीचे आते ही फटी और मक्का का हर घर उससे टकरा कर गिर गया ये ख्वाब था इस खाब की वजह से वो सारे परेशान थे अब जब खबर आई के काफले का पीछा हो रहा है सबने कहा खाब सच्चा तैयारी करो <coughs> उमैया उतबा शहिबा जमा उमेर हकीम बिन हजाम ये सब सबसे बड़े बुत हुबुल के पास जमा हुए और फाल निकाली उनमें एक तरीका था फाल निकाल के मालूम करते थे आगे क्या होगा फाल में मना आया कि तुम लोग जंग के लिए ना जाओ लेकिन अबू जहल को मजबूर कर दिया गया था सरदारों ने दूसरे साथियों ने कि इस मौके पर अगर सुस्ती की पीछे हटे तो मामला बिगड़ जाएगा लोगों ने कहा फाल भी नहीं निकली और तुम कतल गाह की तरफ जा रहे हो खाब भी सुन चुके हो तो इरादा छोड़ दो लेकिन उन लोगों ने आपस में कहा जंग की नौबत ही नहीं आएगी उनके पास तो कुछ है ही नहीं हमारे पास कुवत है असला है सामान है उन लोगों के पास तो है ही कुछ नहीं नौबत नहीं आएगी जंग की तीन रोज तक तैयारी होती रही 950 जवान 100 घोड़े 100 जेरा पोश यानी जिनके पास लोहे की वो बुलेट प्रूफ जैकेट समझ लें एक वेस्ट होती थी लेते थे कि तीर और तलवार जिसम को ना काटे प्यादे के पास जिर हैं। उंट थे इनके पास। मुसलमानों के पास दो घोड़े ऊंट इनके पास ज़ेरा पोश सवार सौ उनके पास एक भी जेरा बजाहिर सिर्फ छः ज़ेरे हैं उससे आगे उनके पास नहीं है साहिब बिन यजीद काफिरों की तरफ से झंडा उठाए हुए नाम क्या लिया है मैंने साइब बिन यजीद काफिरों का ऊंची बोल दें इस जंग में काफिरों का कुछ बात सुनानी है ना इसलिए कहलवा रहा हूं मेरे रब की शान बेनियाजी तकदीर मुस्कुराती है बदर में ये शख्स काफिरों की तरफ से कुफर का झंडा उठाए हुए ये बाद में मुसलमान हुआ इसकी पांचवी पुश्त में इमाम शाफी पैदा हुए वो जिन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद किया ये आपको इसलिए सुना रहा हूं कि लोग पता नहीं क्या समझते हैं इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला इन लोगों के साथ रक्स करने वाली नाचने वाली कनीजें भी थी जो गीत गाती थी इनको जोश दिलाती थी मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं हम भी तुम्हारे सब कुछ मजे करना वो इनको जोश दिलाती थी अल्लाह ताला ने इनके गुरूर और तकबर का जिक्र भी फरमाया आप सूर्य अनफाल में पढ़ सकते हैं वला वलाजीना खराज या रिम इस आयत के तहत इस दौरान एक और तकलीफ दे ख्याल इनको सताने लगा काफिरों को मक्का के कुरैश ने बनी कनाना के एक बूढ़े को कतल कर दिया था बदल में उनके इलाके से कुरैश का एक जवान गुजरा तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया क्योंकि वहां यह चलता रहता था कुछ अरसे बाद बनी कनाना का एक सरदार आमिर मुर्र जहरान से गुजरा तो मकतूल कुरैश के भाई ने उस सरदार को कत्ल और उसकी तलवार लाकर काबे के गिलाफ से लटका दी मक्के वालों ने तलवार पहचान ली और आमिल के कत्ल का भी इलम और कातिल का भी पता चल गया उन्हें फिक्र थी कि हम तो जा रहे हैं इधर हमारा तो निकलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारे घरों पर हमला कर दें जिनसे हमारी अपनी दुश्मनी चल रही है और हमारी औरतों को बच्चों को कैद कर लें या हमारे सामान पर कब्जा कर लें तो शैतान बिन मालिक की शक्ल में उनके पास आया और आकर उनको तसली दी बनुकाना तुम पर हमला आवर नहीं होंगे तुम इरादा ना छोड़ो बल्कि जाओ सफर पर निकलो उधर अबू सुफियान ने जासूसी जारी रखी उसने अपना रास्ता बदला वो रास्ता जो सीधा आता था उसको छोड़कर समंदर के किनारे किनारे वो चलते हुए तेज सफर करके मक्का के करीब पहुंच गया और मक्का में ही इतला कर दी कि मैं अब बिल्कुल महफूज हूँ समंदर के किनारे इस तरफ आ गया हूं अब मुझे कोई खतरा नहीं अबू जहल ने अबू सुफियान की इतला की परवाह नहीं की उसने कहा हम जाएंगे जाकर तीन दिन हम वहां कयाम करेंगे ऊँट जबा करेंगे शराब पियेंगे खेलेंगे नाचेंगे महफिल जमाएंगे अरब पर हमारा रोब जाहिर होगा और कोई हमारे खिलाफ इरादा नहीं करेगा हालांकि उनके पता चल गया था कि अब काफिले को कोई खतरा ऊंची नहीं उसके बावजूद फिर भी निकले लोगों ने कहा हम काफिले की हिफाजत के लिए निकले थे काफिला तो अब खैर से है उसको खतरा नहीं तो अब नहीं जाना चाहिए लेकिन सिर्फ नबी की दुश्मनी में इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी में ये लोग कि नहीं हम जाएंगे अबू तालिब के बेटे और कई अफराद उन काफले वालों से अलग हो गए कि अब हमारा नहीं है पहले तो और मकसद था अब कोई मकसद नहीं इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाबीना साहबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम को नमाज की इमामत के लिए मुक्र फरमाया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने झंडे दिए एक सफेद रंग का झंडा मुसअब बिन उमेर को अता फरमाया एक हजरत अली के हाथ में था और एक हजरत साद बिन मज़ के हाथ में फिर हजरत अली वाला हबाब बिन मुंजिर के हाथ में आया एक महाजरीन का परचम था दो अंसारियों के टोटल तीन झंडे थे हफ्ते का दिन था बारह रमदान को रवानगी हुई रास्ते में एक बदवी शख्स बदवी शख्स का मतलब देहाती शख्स उसने इन लोगों को जाते हुए देखकर कुफार के लश्कर के बारे में पूछा साहबा ने कहा हमें नहीं पता कुफार के किसी लश्कर का हमें नहीं पता साहबा ने लाइलमी जाहिर की और कहा कि तू इधर आया तुझे पता है हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल है उनको सलाम कर उसने कहा क्या तुम में अल्लाह का रसूल है मजाकन कहा तमस्कर उड़ाना जिसको कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ साहबा ने इशारा किए ये अल्लाह के रसूल हैं तो उसने आकर बदतमीजी करते हुए कहा अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो बताओ मेरी ऊंटनी के पेट में क्या है यहां उसकी बदतमीजी एक तरफ मगर पता चला काफिर भी जानते थे कि नबी को पोशीदा बातों का इल्म होता है काफिर भी ये जानते थे पूछता है मेरी ऊटनी के पेट में क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सलमा बिन सलामा आगे आए जोश आया तू नबी से पूछता है मुझसे पूछ मैं नबी का गुलाम हूं उनको बहुत गुस्सा आया कि नबी से इसने ऐसी बदतमीजी की है आगे बढ़े हुजूर से नहीं मुझसे पूछ उसने कहा अच्छा तू बता का इस ऊटनी के पेट में तेरा अपना गंध है जो तूने इसके साथ किया गुस्ताखी करोगे तो फिर पोल तो खुलेंगे ना तूने जो बुराई की है इस ऊटनी से तेरा अपना नतीजा इसके अंदर है उस शख्स को अंदाजा हो जाना चाहिए और आज इस बात को सुनकर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए नबी की तो बड़ी शान है नबी के गुलामों से भी कुछ नहीं छुपता वसल्लम ने लश्कर को रोक कर जायजा लिया उमेर बिन अभी वक्स बच्चे थे कम उम्र थे कम सिन थे पर मैं बता तुम वापस जाओ छोटे हो वो रोने लग गए वो सोचे जरा सैर सपाटे को जा रहे थे क्या अल्लाह की राम में जंग करने निकले थे बच्चा क्यों रो रहा है कि मुझे इस आदत से महरूम न किया जाए हुजूर ने उसका रोना देख के फरमाया अच्छा